वहां बारामती में भी अजीत पवार की भाजपा की सारी वोट सुप्रिया सुले को पड़ गई, और यहाँ ऐसा कैंडिडेट जाकर खड़े कर दिया ताकि मनोज खट्टर जीत जाए, नहीं तो थारा रुका उठा था कि नहीं उठा था भाई, थारा रुका ना उठा था तो टिकट मारा था, रुका नहीं उठा था कि खट्टर ने 10 बजे गिरते वाले दिन घर भेज देगा, मराठा खड़े हो गए, इन्हें टिकट मिल गया, टिकट नहीं मिला, उम्मीदें बदी थी भारी बड़ादरी की बड़ी भारी, वो एकदम धड़ाम देसी नीचे गिरी, ठीक है। और फिर भाई जट्टों ने रुका रह दिया कैंपेन के दौरान, मरता टिकट भी दे दिया खड़े और नाटे टिकट दे और खड़ा हो, और गिल्ली इन लोगों का भी समर्थन हो गया, मारे लोगों ने सोचा अगर जाट वोट आ जाएगा लेकिन फिर भी हमारी जीत हो जाएगी। उम्मीद बंद की तो जट्टों ने रुका रह दिया आखिर में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ठीक है। और हमारी बिरादरी में के प्रचार करवा दिया, पीछे के दम पर प्रचार हो सारा, और उन्होंने कर्कश प्रवृत्ति के जो लोग हमारे बीच में बैठे उन्होंने कह रहे हो, अरे जहांगीरों में तो मेरे जहांगीर कहने का कोई इतराज नहीं, पंजाबियों में मेरे जहांगीर कहने का कोई इतराज नहीं, ये रोड़ों में इतराज कहां से आ रहे हो, जो थारे में प्रचार कर दिया थारी बुद्धि बंद कर दी उन्होंने प्रचार कर करके, अगर मराठे ने जहांगीर और कह दिया शहर की वोट नहीं गई, जाट की वोट तो पहले चली गई थी, ये मराठा कोई जीतेगा, थारे मुद्दा नहीं ना जीतता तो कोई, अरे जीतना नहीं मैं ताकत तो दिखा दो अपनी, पर भूल गए तुम तो, बदला ले कह दिया बदला ले, उड़ाना कटवाया था टिकट और जट उड़ा दिया था धोखा, इनका कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए कांग्रेस वाला, सारे चलो खट्टर करनी, सारी वोटा करो खट्टर करनी कर दिया इस बात का, और फिर आया रिजल्ट, रिजल्ट में आए 29,450 वोट, 450 वोट आए तो अरे मराठे के 450 वोट आ ले, फिर बिरादरी फिर दबान दे सी, यही नहीं नीचा दिमाग लाने में जोड़ दिया, अरे देवीलाल का पोता 4.5 लाख जाटों के वोट 15,000 वोट हमने पुंडरी जगह दबाए उसको, रोड़ों ही कमों तो वोट आ रहे, देख लो भाई रिकॉर्ड की बात है सारी की सारी, 650 वोट तो पपड़ा होता दबाया हमने, एक वोट नहीं था उसका, 15,000 वोट हमने बाकी वोट के रहेंगे उसका, वो देवीलाल के बच्चे की वो खड़ी थी वहां हिसार में, कितने वोट आए उसमें 19,000, था रहता भी 10,000 से भी ज्यादा कम, समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे चुनाव दो तरफ चल रहा था भाई, दो धाराओं में बह रही थी वोट, एक तो बीजेपी को जिताने वाली और दूसरे बीजेपी को हराने वाली, तीसरे की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा दिमाग ला रहा आदमी सारा खेल समझ में आ जाए, तो हमारी बिरादरी को खत्म करने के लिए, और फिर जो है जो कर्कश है हमारी बिरादरी में उन्होंने प्रचार उठाया, ईद में तो मराठे में आए गए 8,000, अगर यहां देश में 6,000 भी 5,000 भी नहीं आता 2,000 आ जाता गरीब मानी, एक तो एक बड़का सारे कर्कश सारे चूस फला रे कच्ची बिरादरी मरा अरे अमीन खाऊ यहाँ बेड मर यह जाए कान पकड़ी बेड मरा और अमीन का बेच बेच का सौदा कमाऊ, समझ गए नहीं समझ गए, और हमारी बोली बिरादरी प्रचार में रही इनके, लेकिन भाई देखो हमने जो मोबाइल लिए 25 साल हो गए हैं, 20-25 करोड़ रुपया तो मैंने अपने घर से खर्च कर लिया, तो मेरे पास जान कुछ नहीं कोई लंदर हो, अरे मेरे बाप ने कभी किसी वक्त पैसे खाए भाई, अरे मैंने इतने साल नौकरी करी 25-30 साल, बताओ मैंने किसी वक्त पैसे खाए, कहीं से कोई बदनामी आई है क्या, एक पैसे खाऊंगा मैं तेरे एक राजनीति में पैसे खाऊंगा मैं, सुनो मेरी बात ना हमने पैसे कमाने, अरे 20-25 साल बाद आदमी का अंतर तक सारा दिख जाए, ना हमारे में कोई बदफैलियां ना हमारे में हस्तियां करते हम और ना हम आराम प्रस्त है, समझ रहे हो ना समझ रहे हो, अरे हम जीतेंगे तो हमारा तो और सिरदर्दी बढ़ेगी, काम सारी जिम्मेवारियां बढ़ेगी हमारे साथ, हम दूसरी बात हमारे प्रचार में आ जाओ, क्यों कुछ प्रचार करता थारे में, क्यों मैं तो सारी कान पकड़ी पेट बनाना चाह रही, सारे सौदेबाजियां थारी करना चाह रही, मुंह पर जवाब देने शुरू करो, जिस दिन ये मेरी कौम के आदमी इन दलालों के मुंह पर जवाब देने शुरू कर देंगे तो गलत कह रहा भाई तुम्हारी बात, उस दिन समझो तो हम तरक्की करना शुरू कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देखते नहीं है परमात्मा के खेल, ये तीनों से पर्चा ठाने के लिए मैंने किया था, तीनों के तीन पर्चा खेल लिया, खेल परमात्मा के अंदर किसका है, सारे बीच में मैं कल ले लेगा खड़ा कर दिया, सारी बिरादरी की इज्जत का सवाल पैदा कर दिया,
कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? अरे सौ बरादरी सबका ज्यादा वोट ले रही, कल्ला इनका कैंडिडेट यूनियन बचे जाया गया, क्या सौदा आया? कहेंगे नहीं नो करके ग्रुप टू को गिर गया, थारे कोई इज्जत भी रह जाएगी? बाजा बाजा फिर न्यूक्लियर का दलाल आएगा, और हम वाले तो बच्चे अमेरिका जा रहे, कोई कनाडा जा रहे, कोई किसी का ऑस्ट्रेलिया जा रहे, अन्य को डॉलर हम हमारा तो डॉलरों से भी जीवन कटा गए। अरे डॉलर का था मकान बना लोगे, हम कपड़े अच्छे पहन लोगे, अच्छी रोटी खा लोगे, बस इतनी है। आदमी को जीने के लिए सिर्फ ये चीज नहीं चाहिए, आदमी को जीने के लिए मान सम्मान भी चाहिए, आदमी को जीने के लिए प्रेम प्यार भी चाहिए, आदमी को जीने के लिए संगी साथी भी चाहिए। ना मिला ना है, कितने पैसे बड़ा हो, अवसाद ग्रस्त हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, कुछ ही महीनों का मेहमान हुआ, अन्य स्वर्ग से दाट जाए, या तो सरफास की गोली खावा या फांसी टंगा या नहर में कूद गया जान दे, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए मेरे भाइयों थोड़ा सा संभलो इस स्थिति से। अब आवाज उठने लगी है, शुरू में आया कुछ नहीं है सर, किसी का मजा कुछ नहीं है, मैं कोई बात नहीं, मतलब फायदे वास्ता चल रहा, मैं क्या बड़े फायदे वास्ता चल रहा, मेरा काम है इनको जगाना, जागना ना जागना इनकी मर्जी का है। इतने इलेक्शन हार का कोई थर से खड़े हो जाएगा भाई? अरे एक मनी तो दो में तो बैठ जाए जमी, मैं थर से खड़े क्यों खड़े हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए हूँ, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं खड़े। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल सर पला दिए और 20-25 करोड़ रुपए का पला दिया, और फिर भी मेरे बारे में तुम ऐसी बात सुनो, लाना था सर पर तुम उल्टा जवाब नहीं देते उन दलालों को, इसको कौन से अंजाम ला रहे हैं मेरे पास, क्या गलत काम किया मैंने आज तक जिससे बिरादरी की इज्जत का मुक्ति हो, एक भी काम बता दो। और दलाल कोई सा हो भाई कौम मां खड़े हो जाए मेरे सामने, खड़े नहीं रहने पड़ेगा, बैग जाएगा गिल्ली, हम जमा आगा का बगला सामने आते ही समझ रहे समझ रहे, क्यों? उनके मन में तो खोट है, उनके मन में पाप है, लालच है, वो तो थारा सौदा करने तैयार बैठे, मैं तो जाओ कच्ची मराठा मरण सौदा कराएंगा, मेरे बारे में प्रचार है दिया, वोट बांट आएंगे दिखते नहीं, आज हल्के में गूंज उठ रही सारी गूंज, पोपड़ा ही सबसे पीछे है, या मैं पोपड़े वालों को कहने लग रहा पोपड़ा इस टाइम सबसे पीछे है, क्यों भाई? मोर सिंह दादूपुर की पंचायत हुई कि नहीं हुई? सारी बिरादरियां शामिल हुई कि नहीं उसमें? और एक मत से सबने फैसला कराया सारा दादोपुर की एक एक वोट मराठा की, और ये भी फैसला कराया 50 से लेकर 100 तक आदमी रोज प्रचार पर निकलेंगे, करा कि नहीं करा था? इस बार के दिन करा था फैसला, कल कतलाडी ने करा कि नहीं करा? कतलाडी ने करा भाई, कल बता मेरे देखे देखते होंगे विश्व भी टेलीफोन पे, कल कतलाडी ने फैसला करा, कतलाडी वाले भी आप निकले हुए प्रचार पे, बुडन पर वालों ने पहला फैसला कर लिया था, जानी वालों ने पहला फैसला कर लिया था, वे भी निकले हुए प्रचार पे, मजूरा वालों ने फैसला कर लिया, हथलाने वालों का ए आज ही मेरे ख्याल फैसला हो लेगा, समझ रहे हो समझ रहे हो? अरे गांव के गांव है कौन लग रही, और मैं निकल लग रही दूसरे बिरादरियों की वोट भी हम लेंगे, अरे एक रोड परिवार के साथ दूसरी जाति के एक परिवार के संबंध तो है, अरे जब चुनाव जीतने पर बिरादरी आवा है, जब बिरादरी की इज्जत का सवाल आ जाए, 32,700 वोट सबसे ज्यादा वोट थारे सरदारों को तो 1,000 फालतू या धरता 33,000 कुछ, अन्य सरदारों की वोटों में तो 5-6,000 तो मजबी सिखों की वोट है, और मेरा सिखों की वोट है, मेरे सिखों के गिल्लो लगते भी गोली कश्मों के लगा मैं तो, समझ लो मेरी बात को, सारी सबसे ज्यादा थारी वोट एक आदमी खड़िया, समझो सारी बिरादरी खड़ी, अरे इस पे संभाल के तो आंख में डालोगे समाज के, है और जीत गए तो चौड़े होकर चलोगे, ठीक है छोटे को चलना चाहो ना तुम, है इज्जत से रहना चाहो तो एक होगा का बेड़ा पार कर लो जीत में, तुम आज भी खड़े हो मैं बताऊं, यदि किसी का बहम मर रहे हो कि कांग्रेस आगे भाजपा, कांग्रेस और भाजपा तो मरता इतना पीछा है, इस टाइम तो मुकाबला हमारा इस गोपाल राणा इंदिरा बसपा वाले खेल चल रहा, समझ लो असली बता रहे हम करता है यह बात, और पूरा प्रचार कर रहा राजपूत कैंडिडेट है देशभक्ति का, देश बचाने का, क्यों भाई असंधि रह गया देश बचाने के लिए, गरुंडे मा गरुंडे में गिन देने वोट भाजपा वाले को, वहां नहीं देश बचाना, गरुंडे में कांग्रेस ने टिकट दे दिया राजपूत को, धीरेन्द्र राठौर को, सारा राजपूत वहां कांग्रेस की तरफ हो गया, उन पर तो सीख ले लो कुछ, उन पर सीख लो रोडो कुछ को, सारे रोडो में जो सदर प्रचार कर रहे उल्टा, मगर उन पर सीख ले कुछ, जिन वो एक जगह जा सका है वो हम नहीं जा सकते, गलत बात बोल रहा मैं, ठीक बोल रहा? और एक बात और बताऊं, सारी चीज मांगे तो मिल जाए, सारी चीज दुनिया में मांगे तो मिल जाए, रुपया भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए,
लेकिन राज एक ऐसी चीज है, राज मांगे तो नहीं मिले आज तक, हमेशा राज के लिए युद्ध करना पड़ा, समझ रहे हो ना? तो तुम समझोगे, आजकल तो वोटों का राज है, इसके लिए कौन सा युद्ध करना पड़ा? मैं तुम्हें समझाऊंगा, युद्ध युद्ध है, युद्ध के रूप और युद्ध के हथियार बदल रहे, दो सेनाएं चले गए, दो सेनाएं लड़ गई थी, पहले जिसके सैनिकों में हौसला हुआ था वह सेना जीत गई थी, ठीक है भाई। बाबर की सेना तो 5,000 की थी, इब्राहिम लोदी की सेना 1.5 लाख की थी, पानीपत की पहली लड़ाई 5,000 सैनिकों ने 1.5 लाख के छक्के छिड़ा दिए थे और राज कायम कर दिया अपना, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्यों? उसके हौसले मत सैनिक थे, हौसला बढ़ाने के लिए सैनिकों का पहले हरकारे साथ चलते थे, हौसला बढ़ाने के लिए सेनाओं के साथ पहले ढोल नगाड़े बड़े चला करते थे, हौसला बढ़ाया करते थे। आज का जो युद्ध है, ये कैंडिडेट प्रत्याशी जितने भी हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये सैनिक के रूप में तो काम करा, ललकारे लांदे चलाएंगे, ललकारे लांदे चला, हौसले में चला, और जिसके कार्यकर्ता हौसला छोड़ता हो तो खत्म ही हो जाए, और जिसके कार्यकर्ता अंत तक हौसले में दिखा, सारे समाज की नजर उसी पर, जा भाई जीतते भाई, उसी का निपुटो करो, बोला वो है ना, वो भी नहीं है, तो तुम ललकारे लाओ, तुम तो बार मेरे मुर उसी बात ना करो, है मेरे बड़े तो कुछ दीदा, अरे तूफान रहता ना तूफान, हाँ अभी तो मेरे पहले क्या था ना भैया, यहाँ भाषा बदलो अपनी, वोट तो दे बढ़ता तो कोई नहीं, मैं हिसाब का फार्मूला खत्म कर दिया, हिसाब का फार्मूला भी फेल कर दिया, अरे वोट दोगे बढ़ोगे तो नहीं, जब जीत की वोट आ जाएगी मिल जूंगा, जब तुम वोट ही थोड़ी दोगे फिर बनूंगा किस तरह ना, हिसाब के फार्मूले फेल भाई नहीं बनता, जब वोट देगा हिसाब के फार्मूले बना लिए अपने आप ही, वोट आएंगे तो बनूंगा क्यों नहीं मैं, थोका वोट दो, इनका एक यहाँ बुजुर्ग बोल रहा था इनका बढ़ेगा क्यों, इनका ठोका देने की वोट मन में नहीं सबके, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो इनका अर्थ, और 2-4 दिन पीछे देखी हो, मैंने प्रेस वालों को पहले क्या रखा, आखिरी सप्ताह में देखना गूंज, आखिरी सप्ताह में गूंज मराठा मराठा की सुनाई देगी, और कोई नहीं देगी, शर्मंदे शर्मंदे से संकोच संकोच सीमा दबे दबे से, अरे दबे दबे से रहने वाले सैनिक जीतते क्या, उनको तो गर्दन डाटेगा, गर्दन मुड़ी की तरफ काट करेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जोड़े होकर करो, तगड़े होकर करो, समझ को किसी का दिया खाओ, अरे मैं जब पढ़ता था ना तभी से मेरे दिमाग में आ गई थी, जो अपने आप कमाऊंगा वही खाऊंगा, जो मेरा अधिकार नहीं होगा मैं उसको लूंगा भी नहीं, कोई मुझे देगा तो भी नहीं मैं, समझ रहे हो, समझे, ये अमेरिका क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों इंग्लैंड तरक्की कर रहा है भाई, क्यों जर्मनी वाले तरक्की कर रहे हैं, आप ये किसी को उनसे किसी को कुछ देंगे तो देखो, आपसे वो लेंगे नहीं, वो क्या देंगे आपसे, मैं क्यों लूं, इसके बदले में तो आप कुछ ना कुछ मेरे से बाढ़ोगे, फिर मैं अपने हाथ कमावा उसे रखावा, अरे परमात्मा उनकी कितनी तरक्की करवा रहा, इन सारे छोरे भी नौकरी वास्ते वही भाग रहे, भाग रहे कि नहीं भाग रहे, हम उन चोरों वापिस तो लेना चाहते हो गई, यहाँ जाओ ना, जो उरा 1.5 लाख की नौकरी मिल जाए फिर तो वापिस पे ले लोगे, हैं? तो मेरी बात सुन लो भाई, तो मेरी बात सुन लो, हम मेरी बात सुन लो, इनका ना तो भाजपा की सरकार आ रही पूरे बहुमत से और ना रही कांग्रेस की, सुन दो करो, 35-35 के करीब है, दो ऊपर दो नीचे, बस थारी हिस्सेदारी बिना सरकार नहीं बनने वाली, और के बताए इनका के खेल हो जाए, ये अभी बता दू मैं, इनका खेल के हो जाए कुछ नहीं पता, परमात्मा ने के छुपा रखे अपने कर्म में, आज तुम कुछ भी पालते रहो कल ना कुछ हुआ दिखेगा, फिर होता तो बहुत सारी पान कर मन दबाते हैं, यू क्यों गया, समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसी स्थिति माने से पहले समझो इसको, समझो और उठो, और उनको जो ये जो करकस है नहीं करकस हमारी बिरादरी के, जो सारे दिन यू पंख से बांधे रहा और जो कूदते कूदते दिखा दे रहे समझना, इनको मुंह पे जवाब देना सीखो, जो उल्टा बोला सीधा मुंह पे जवाब दो तो नुक्स बता भाई आदमी मके, बताओ भाई मेरे मतलब ना के नुक्स दिखाए, मना रही पंचायत में टिया बता जो मेरे मके नुक्स दिखा, अरे मैं थारे लाभ के लिए काम कर रहा, दिन रात मर रहा, 25 साल बेहतर साल मैंने थारी जिंदगी के अपनी के खराब कर दी, एक कमाई और नेक कमाई है मेरी 20-25 करोड़ रुपए मैंने तरफ खर्च कर दिया, लेकिन परमात्मा है लेने देने वाला, पैसे का भी मालिक परमात्मा है, वेद में ऐसा लिखा हुआ है, अहम धनानिशम जयामि शाश्वता, हे जीवो
तुम इस धन का बनाने वाला और बांटने वाला मुझे ही जानो। मैं मांगू परमात्मा पता, परमात्मा दर दिन बारिश करा। उसके कोई रूप है, उसके 100 तरीके हैं देने के भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। कभी गाट बढ़ा देगा, कभी फसल ज्यादा कर देगा, कभी खर्चा कम करवा देगा। है मेरे में ऐप कोई नहीं है, सादा जीवन है मेरा। है दो रोटी दाल रोटी तो एक सब्जी खाऊं, दही की कटोरी ले लूं कभी कभी, ठीक है कि नहीं है। अब इसको क्या खर्चा हुआ, मेरे पास जो बचत हुआ था सारा जी। अच्छा मैं शर्म नहीं थी फिर भी मेरी प्राइस बहुत कमाल ले गया। अरे मना थारी तरक्की वास्ता, थारे सुख आराम वास्ता, सुविधा वास्ता मेरी जिम्मेवारी है। एक मैं जिताओ सरकार में, थारी हिस्सेदारी पक्की है। एक चीज एक नौकरी मिलेगी, 5 ले कहूंगा थारे हिस्से में, और थम अपने बच्चों का यू सोचोगे 50 लाख लाएगा भाई, ज्यादा कोई बात नहीं, 20 लाख तो वापिस उन्हें भेज दिए, 30 लाख का डंडी से ही, 30 लाख का डंडी से ही, लेकिन उनका परिवार का रेंट तो लग जाएगा, मौज तो हो जाएगी परिवार की, आपस में बातचीत तो कर ले करेंगे। नहीं तो चोर कार से एक मरने में आया था ना कई साल पहले 4 लड़के अमेरिका में जा रहे, 4 एक नहीं तो 4 है उसके, और माँ मर गई, संस्कार भी पड़ोसिया ने कराया, क्रिया में बैठा था मैं, क्रिया में भी कोई नहीं आया, 4 अम्मा था, हम भी नहीं जाओगे बच्चे थारे नहीं हो, आज तो खुश हो रहे तुम, डाल रहा समझ गए भी ना, समझ गए थोड़ा सा, क्या खोल रहा भाई, दूर की सोचोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, परमात्मा थारी रखवाली आप करेगा। मेरा मैं उदाहरण हूं इस बात का, सारी बात बातें कई कुछ समा में कई समा में कुछ खुल ले जावा, कुछ खुल ले जावा, आज थारा मैंने टाइम काफी ज्यादा ले लिया, और भाई थारा पोपड़ा गांव सब तब पीछा रह रहा, फड्डी है यू गांव, फड्डी को हो गए कथम, अरे सारे रोड़ा में कहेंगे सारा मैं फड्डी गांव को, दादा तो रिश्ते की बात भी चलेगी ना, फड्डी गांव को सारे गांव जागण लग रहे, कोपड़े ही बार सुन लग रहा, लेकिन मैं पूछो सारे गांव में कितना कोई गया, मैं जमा सी बर्बाद है, पहले ना सी बर्बाद है, मैं कितना कोई गया, 40-50% तो लिया, 40-50% तो बैठ करोगे अगर लिखना जनता, मैं वो जगह आपकी ठीक होगा, सब सरता लेट हो जाओगे, लेट हो गए तो फिर थोड़ा नाम खराब होगा मेरे भाइयों। कोपड़ा गांव सब तो बढ़िया गांव, मैं तो अपने बाप के साथ यहाँ आया था एक बार, गंगाटेड़ी कोपड़ा का स्कूल बीच में पड़ा, ठीक है, एक बार आया था रोड महासभा का, जब साधा ना 2-3 दिन, समझ गयो ना, समझ गयो, ध्यान है मेरे बाप आदमी, अरे मैं तो इस गांव में लाऊ तो बड़ा अपना जैसे गाँव बचपन, जहाँ आदमी के बचपन में पैर पड़ जाए ना उस जमीन से वैसे ही लगाव हो जाता, ठीक बात है मेरी, गलत बात है यार, जिस तरह वह लंका तो सोने की बनी हुई थी, लंका सोने की बनी हुई थी, और लक्ष्मण राम का बोलिया बड़ा बढ़िया जगह रहने के लिए, और रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण को क्या बोलिया, लक्ष्मण न रोचते, ठीक है, जननी जन्म भूमि करी, अपनी जन्मभूमि अच्छी है, जन्मभूमि है मतलब बचपन में पैर पड़ा, बचपन में जिस गांव में भी आप क्या पैर पड़ेंगे, बचपन में मामा के गांव में पैर पड़ा कि नहीं पड़ा है, मामा गांव अच्छा लगा कि नहीं आखिर तक, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये पोपड़ा हमने इस तरह पसंद आ गया था, पर ईद का पहली बार मैं पोपड़ा सुन रहा, पोपड़ा फटी लग रहा है, ये जोड़ी वाला जोड़ी की सब हमारे पंडित जी बोले, जोड़ी का पंडित जी बोलिया, अरे एक तरफ कर दो फैसला, सारे के सारे वोट मराठे भाई, एक वोट भी बैठ नहीं जाऊंगा जोड़ी का, वही थी वह बात, अरे भाई संदेश पोपड़े तक पहुंचा दियो, गाँव तो बहुत बड़ा है, हम खाने थोड़ी आगे हो रहा, पर भाई एक दीवा जला दिया, एक मोमबत्ती जला दी, हम तो निरे बैठे, थमा तो थारे में तो कुछ रोशनी आएगी होगी नहीं, यह रोशनी थम ना सारे भाइयों तक पहुंचानी है, सारी माताओं बहनों तक पहुंचानी है,
कि भाई बचना का रास्ता है क्या हमारे पास, और तूफान उठने जा रहा ये हमने पीछा नहीं रहना, और पोपड़े गांव ना दौड़ना बेशक बाद में शुरू करे हो लेकिन दौड़ेंगे इतने तेज कि सारे ताकत निकल कर दिखावेंगे हम तीन चार दिन में खेल खेल दो मेरे भाई। सुरक्षा पार्टी की देख ली ना, अरे नथर तक देखनी सालवन बड़ा और अरनाणा तीनों का मुमा मराठाणा जितेगा लाने की जिम्मेदारी मारी है क्या अग्नि के हा। फिर तारी कसर रहेगी के कोई थारा तो चुनाव एक तरफा जाओगा, इसका 1000-2000 तक जीत नहीं होनी, इसका जीत होगी 10-10, 20-20, 30-30 हजार की वोटों के अंतर से जीत होगी, सारे मराठा की जीत होगी और थारे कारण ही जीत होगी, सारी वोटों की जीत होगी। आज मैं कह के जान लग रहा, मैंने कभी आज तक वोट मांगी नहीं थी, पर आज मैं कह के जान ले रहा, मांगता तो मैं भी नहीं, पर मैं कह रहा थारा ठीक इसी पर सुरक्षित है, सारे के सारे तुरना बजाता है आदमी के सामने वाला बटन दबा के वोटों से भर दो भाई मशीन को, आवाज मशीन की बस एक ही आनी चाहिए, एक ही बटन की आनी चाहिए, और आगे जिम्मेवारी भाई थारी आज मेरी है, आगे थारी तरक्की के इतने रास्ते खोल दूंगा और थारी खुद जीवन को खुशहालियों से भर दूंगा, यह जिम्मेवारी मैं थारे सामने लेकर जाऊँ। बहुत बहुत मेरे याद आएगी एक बात, मेरे 26 किले को मारे लंबाड़ी मोरी पे है और 32 किले है उस पर डांडू वाली मोरी पे अगली हवा, और इसका बाप था मंत्री, 20 किले में 300 मन का पास हो रही, झूठ नहीं बोलता मैं। और एक और बात याद आएगी, बोला 19 छोरे इस पोपड़े के शिवराम ने लाए थे, 19 लड़के जाति सारी थी, और देख लो वो पत्थर पुराना हो गया, देख लो दंगराड़ में जाकर शिवराम सकूल ने देख लो जाकर शिवराम, अरे लोगो अपना तो घूमना भी आता घूमना, अरे 32 लाख वोट कमाल की बात यार, तुम्हारे गए 36 की बिरादरी है, तुम किसान हो इंसान हो दयावान हो, रोड मरोड और छोड़ और चोर और जोर अपना घर का काम का छेद नहीं, पीछा हमको तलाब नहीं जाता पीछा रहा, जिसकी जमाने के जब पता होगी नहीं वो भी मर गया मर गया था, और तो अभी साढ़े 32 साल बहुत तर गए तो बहुत लोग आए थे। धन्यवाद 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 पांडुरंग जी का। अब कोपड़ा गांव की तरफ से मास्टर कुलदीप जी आए हुए साथियों का मराठा जी का धन्यवाद करेंगे। मास्टर कुलदीप जी सबसे पहले तो मैं मराठा जी का और इनके साथ आए हुए गांव से सभी साथी का गांव कोपड़ा में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। मराठा जी जैसे अभी लहर तो जैसे आपने बताया अभी उठनी शुरू हुई है, हम आपको इस बात दिलाते हैं भी इस लहर को एक बड़ी हवा देने का काम हम कोपड़ा की तरफ से करेंगे और गांव को जोड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो रूठे हुए उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे, हम आपको दोनों हाथों उठा के आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। भाई आने वाली 5 तारीख को 6 नंबर पर निशान है तुर्रा बजाता आदमी, आने वाली 5 तारीख को 6 नंबर पर तुर्रा बजाते आदमी के सामने वाला बटन दबाए, मराठा जी को कामयाब बनाए। मराठा जी भाई मराठा जी अंदर से है ना, वो प्रसाद वगैरह है ठंडे पे वो बटवा दियो, एक बार बैठे जाइयो ना भी कोई भी वो ले लियो, एक बार बटवा दियो करो सारा। मराठा जी कैसे देखते हैं जैसे आपने बताया कि इनको बहका लिया जाता है फुसला लिया जाता है, और कैसे आज आप भी खास जो है खुश नजर आ रहे हैं, तो मजबूती मिली है आपने कल देख लिया था कितना जागृति आ रही है और दिन ब दिन बढ़त की ओर है, बाकी सारे कैंडिडेट देख लो जितने भी हैं वो नीचे नीचे हो गए और हमारा बढ़ता जा रहा है, अब ये देख लो कि और 8-9 दिन रहेगी कितना बढ़ेगा, ये एक तरफा चुनाव है, निश्चित कह रहा हूँ, और मैं एक तरफा मतलब हमारी तरफ जाएगा और जीत पक्की होगी कई हजारों से होगी, तो गांव गांव जा रहे हैं सभी को मजबूती दे रहे हैं,
तो क्या अपील सभी से कार्यकर्ताओं से मजबूती करने में लगे हुए हैं, वोट की अपील कर रहे हैं इनसे और इनको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निराशा में डूब गए और निराशा से बाहर निकल के आ रही है। और इस बार जैसे आप ही कहा था इन्होंने, इस बार तो जिता के भेजेंगे और बड़े भारी अंतर से समय देख सकता था। वीरेंद्र वर्मा पटना में पहुंचे हैं, सभी को यहाँ संबोधन किया जी। और ओबीसी वोट के बारे में आपने सुन लिया जी? जी जी, ओबीसी वोट जी भाजपा की तरफ नहीं हमारी तरफ है जी। बताइए आप सभी जो चैनल के साथी हैं आपके टीम के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रदेश युवा अध्यक्ष मास्टर राजवीर कश्यप और बीजेपी ने खासकर जो भरम फैलाया है ओबीसी समाज में कि भाई नयाब सैनी को सीएम बना दिया और दोबारा फिर सीएम बनाएंगे, बीजेपी को वोट दो, ये पूरी झूठ है। इसमें कुछ नहीं, ना तो नयाब सैनी नोट ऑफ जानबूझ का बीजेपी हराने का काम कर रही है। यदि ओबीसी समाज का कोई असली नेता है वो चौधरी राजकुमार सैनी है और राजकुमार सैनी के नेतृत्व में ही वीरेंद्र मराठा जी के साथ ओबीसी समाज जुड़ा हुआ है और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे वीरेंद्र मराठा जी। और इस समय देख सकते हैं ये जो झंडा है और इस समय तुला बजाता हुआ किसान आपको नजर आ रहा हुआ एनसीपी पार्टी का ये चुनाव। और अभी सभी को संबोधन किया था, काफी कुछ जो है जनता के समझ में है और यहाँ से सभी के लिए निकलेंगे।